हेलो गाइस, क्या हाल आप सभी का। तो फटाफट से शुरू करते हैं, अपने कैप कट को ना ऑन कर लो, ठीक है। अब ये देखो गाइस, ये है वो वीडियो जिसके अंदर अपन बनाने वाले हैं। फटाफट से ना वीडियो ले लेना, कोई भी ले सकते हो। वैसे अगर कोई वाइट वगैरह होना तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि ये वाइट है। ज़रूरी नहीं है कि यही हो, बस वाइट हो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और एडजस्ट में चलते हैं, छोटा मोटा ही अपने को एडजस्ट करना है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। वैसे अगर कोई फिल्टर वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई जैसे अर्बन वाला फिल्टर है एक दो, वो अच्छा है, उनसे डायरेक्ट हो जाता है, तो वो ले सकते हो। शार्पन एक फुल कर देना, HSL में जाके ग्रीन को येलो को इनकी सैचुरेशन और लुमिनेंस जीरो कर देना। बैकग्राउंड के कलर है ये भी मैं जीरो कर रहा हूँ गाइस, ये वाले कलर, क्योंकि इनका बैकग्राउंड में कलर है, आप देख सकते हो जीरो हुए हैं और फ़र्क पड़ गया, ठीक है। तो ये कलर जो है, आप चाहे तो फिल्टर से भी डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे उसमें कुछ फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, ठीक है। और बाकी कुछ एडजस्ट आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो है इसके मेन एडजस्ट में, यहाँ पे दो मिनट, शार्पन अपन ने कर दिया है कि नहीं, हाँ कर दिया है। और अब आप इसके जाओ मेन एडजस्ट के अंदर, जहाँ पर शार्पन का ऑप्शन है, एक और शार्पन जो है फुल कर दो, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्राइटनेस कॉन्टेस्ट यहीं से कर देते, वैसे तो वहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें अपन ने शार्पन कर दिया है, वापस कौन जाए, इसलिए अपन यहीं से कर देते हैं, ठीक है। और गाइज, आप थोड़ा यार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करा करो जल्दी से जल्दी, ताकि लाख सब्सक्राइबर जल्दी पहुँचे। लाइट इफेक्ट के अंदर आपको ड्रीमी ग्लो वाला इफेक्ट मिलता है, ट्रेंडिंग के अंदर भी होता है, पर मैंने आपको लाइट इफेक्ट के अंदर जाके बताया है पूरा। और इसमें ना देखो यार, ये भोपू बजा रहे साले, परेशान कर रहे हैं। ये ग्लो जो है गाइस यहाँ पे, सॉरी यार, ये परेशान कर रहे हैं साले, बेवकूफ लोग हो गए, पता नहीं किस खुशी में बजा रहे हैं। अब देखो ग्लो जो है, ये आपको इतना लेना है, और रेंज आपको, रेंज और साइज जो है एक सेम काम करते हैं, ठीक है गाइस। और रेंज से आप देख सकते हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पर पूरा करके बता देता हूँ, ठीक है। और ग्लो गाइस आप, मैंने इतना रखा है, ठीक है। और यहाँ से जो है मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो गाइस तुम किसी भी कलर का बना सकते हो, कलर को एडजस्ट करके, ठीक है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर तुम यहाँ पर कलर देख सकते हो, कोई भी कलर ना बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ग्रीन हो गया या कोई भी कलर, मैं ये तुम्हें ना एंड में बताऊँगा, ठीक है गाइस, सबसे एंड में मैं तुम्हें बताऊँगा। तो गाइस यहाँ पर कलर तुम देख, ठीक है, ये मैं तुम्हें एंड में बता दूंगा पूरा एक बार कोई और कलर का बना के। और फिल्टर वगैरह एक काम करो, फिल्टर जो है लगभग 70-80 के पास रख लो, क्योंकि तो फिल्टर रखने से ग्लो थोड़ा अच्छा आता है, ठीक है। फिर कम क्यों कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं ताकि एकदम यूँ ज़्यादा भी नहीं दिखे, सही दिखे, ठीक है। तो एकदम मतलब फैला हुआ नहीं। अब देखो एक कॉपी किया है, दूसरा कॉपी वाले में गाइस आपको जो है रेंज और साइज़ बढ़ानी है, ठीक है। पहले में अपन ने क्या किया, जैसे अलाइट मोशन में नेपच्यून ग्लो बनाते थे, एक में ना 100 क्वेश्चन पे रखते थे ताकि वो इतना हो जाए, और दूसरे में ना पूरा फैला देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा लगता है, तो ये अपन ने उसी स्टाइल में बनाया। अब आपको एक इफेक्ट और लेना है गाइस, वीडियो इफेक्ट में जाके ये HDR, ये बड़ा वैसे ये मिलता है तुम्हें लेंस के अंदर, ठीक है, HDR वाला इफेक्ट। इसके अलावा आता है HDR2 आता है, और एक शार्पन आता है, एच शार्पन करके आता है। अब तो इफेक्ट के नाम याद हो गए, आपको भी याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो गाइस, साइज अमाउंट इंटेंसिटी फिल्टर इफेक्ट है, मतलब सेटिंग्स है। तो साइज इतना है और अमाउंट इतना रख लो। इंटेंसिटी रखने से तुम्हारा क्या है कि गाइस, तो येलो कलर में इंटेंसिटी रखोगे तो अच्छा लगेगा, दूसरे कलर में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इंटेंसिटी यहाँ पर इतना रख लो, और इंटेंसिटी के बाद गाइस फिल्टर देख लो। यहाँ पर फिल्टर से क्या है कि थोड़ा विग्नेट टाइप का इफेक्ट आता है, तो वो अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। और ये गाइस कुछ इस तरीके से देख लो, ये इसके नीचे गाइस है ग्लो वाला इफेक्ट, ग्लो से जो है आप मतलब ग्लो बढ़ा सकते हो, ठीक है। खैर अपने ग्लो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इसके नीचे इसका साइज़ है, तो मतलब ग्लो को फैलाना हो तो वैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ना हल्का सा साइज़ बढ़ा लेना, ग्लो बराबर ही रखना, ठीक है। इससे क्या होगा कि ग्लो थोड़ा फैला हुआ दिखेगा, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा अगर ये कलर हो तो। ग्रीन और रेड में ये रख लेना। अभी गाइस मैं आपको ग्रीन कलर में कोई बना के दिखाता हूँ, थोड़ा दूसरा कलर में मतलब। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ रेड कलर का या वायलेंट कलर का, तो ये देख लो इस कलर का है। दोनों में गाइस कलर का नंबर सेम रखना, ठीक है, एक में 70 एक में 20, ऐसा रखोगे तो कोई अलग ही नया रामबाण बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। तो अपने को धूम चक्री नहीं बनानी है, एक प्लेन कलर रखना, ठीक है। धूम चक्री वाले ट्यूटोरियल भी आएंगे ग्लो मतलब रेनबो ग्लो के। फिलहाल ये देखो ग्रीन कलर में बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ग्रीन कलर बन गया, ठीक है। अब देखोगे गाइस थोड़ा इसका व्हाइट कोट में मतलब थोड़ा इसका फटाफटा टाइप कुछ निशान है, वो HDR इफेक्ट की वजह से है। इंटेंसिटी को पूरा जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे को कुछ करने से होगा नहीं, इंटेंसिटी को जो है कम करो। देखो मैं अब बताता हूँ, ठीक है, दूसरे से नहीं हो रहा। अब इंटेंसिटी पे जाओ, ये देखो गाइस कोट को अब देख लो आप, कितना फ़र्क पड़ रहा है।
ये सब आप ब्राइटेस्ट कलर होते हैं ना उनके अंदर इंटेंसिटी को बढ़ाए रखो बस। अभी आपका जो ग्लो है वो बन चुका है। मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।